सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब लोग। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने फाइनली वो कर दिखाया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। एथलेटिक्स में पाकिस्तान ने अपनी 75-76 साल जिंदगी में एक भी गोल्ड मेडल नहीं लिया, और आज अरशद नदीम ने वो कारनामा सर अंजाम दिया। और क्या बखूबी ने अंजाम दिया, 92.97 मीटर की उसने थ्रो लगाई और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ओलंपिक का रिकॉर्ड बनाया, सबको हैरान करके रख दिया। नीरज चोपड़ा जो कि फेवरेट टाइम मैच जीतने के लिए, वो हक्का बक्का होकर रह गया बेचारा, उसके हाथ पैर फूल गए क्योंकि पहले ही राउंड में उसने ये कमाल दिखाया अरशद नदीम ने। और इतना बंदा पुरसुकून था और इतना क्या कहेंगे कि जहनी तौर पे उस स्ट्रॉन्ग बंदा है कि उसने इतना प्रेशर नहीं लिया और अपने फोकस रखा और बेहतरीन थ्रो फेंक के पाकिस्तान को एक बहुत अच्छी पोजीशन दिलाई। उसके बाद तो फिर जब 92.97 बंदा कर देता है तो दूसरों की 86-87, सिर्फ ये चोपड़ा था जो जिसकी 89 जा रही थी, उसकी भी हाईएस्ट कभी 90 नहीं गई। तो वो पहले ही हाथ पैर फूल गए इन लोगों के, और वो लोग फिर बेचारे कोशिश ही करते रह गए। नीरज चोपड़ा ने तो बेचारे ने 3-4 दफ़ा बाहर भी कर दिया क्योंकि वो जोश इतना लगा रहा था कि भाई मेरी इसके करीब तो जाए, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कोई करीब भी नहीं आ सकता था। जो सेकेंड नंबर पर लाया है वो भी ये खुद ही है, अपने फिफ्थ अपनी जब इसने थ्रो करी है वो भी 90 पॉइंट समथिंग या 91 के करीब लाया। तो जितने भी इसको क्रेडिट दिया जाए कम है। अभी बहुत सारे बरसाती मेंढक उमड़ आएंगे एकदम से कि ये हमारा सपोर्ट था, हमारा सपोर्ट था, किसी का सपोर्ट नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से। इस बेचारे ने अकेले मेहनत करी है पंजाब में, अकेले इसने सारी ट्रेनिंग करी है, सब कुछ किया है, किसी बोर्ड वालों ने मुझे नहीं लगता इसका साथ भी दिया है, और ना ही कभी इस मुल्क में कोई आगे देगा। अभी सब आ जाएंगे हार पहनाने, लेकिन इनमें से अलहमदिल्ला किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, जीरो कंट्रीब्यूशन है। कोई प्राइवेट सेक्टर में किसी ने कंट्रीब्यूट कर दिया तो अलग बात है, गवर्नमेंट की तरफ से आप एक्सपेक्ट ना ही करें तो बेहतर है। तो भाई इस तरह के हीरोज़ आज पता नहीं कितने अरशद नदीम और जेवलिन थ्रो के चक्कर में बैठे होंगे कि भाई हम भी अरशद नदीम जैसा गोल्ड मेडल लेके आएंगे ओलंपिक्स में और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। और जितना इस बंदे ने आज पाकिस्तान को खुशी दी है, इतनी तो खुशी यकीन करें ओलंपिक्स में तो हमें शायद 92 में गोल्ड मेडल उसमें हॉकी में जीता होगा, उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है। एथलेटिक्स में तो बताता रहा हूँ पहला है, तो 32-36 साल बाद पहला कोई गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए लेके आया लड़का अपनी मेहनत पे। तो ये ख्याल रखें सब लोग इसका, और इसको जितना नवाज सकते हैं माली तौर पर ताकि ये अगले ओलंपिक्स की तैयारी करें, और जितने और ओलंपियंस हैं जो बाकी स्पोर्ट्स में खेलना चाह रहे हैं और आगे नहीं आ पा रहे फंड्स के इशू की वजह से, जैसे रेसलरिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, और भी आर्चरी हो गई, शूटिंग हो गई, स्नूकर है, जो भी हजारों गेम्स है, एथलेटिक्स हो गया, रनिंग हो गया, तो जितने भी गेम्स हैं जिनमें लोग आगे नहीं आ पा रहे फंड्स की शॉर्टेज की वजह से, उनमें प्राइवेट सेक्टर अपना पैसा डाले और उन लोगों को ऊपर लेके आए ताकि अरशद नदीम जैसे हजारों लोग पाकिस्तान प्रोड्यूस करें। 25 करोड़ की आबादी और 7 लोग गए थे, शर्म का मुकाम है। कम से कम यार 2500 तो जाने चाहिए थे, कम 2500 नहीं तो कम से कम 250 तो जाने चाहिए थे पाकिस्तान की तरफ से, ताकि गोल्ड मेडल का आपका चांस बढ़े और अच्छे खासे आप लोग गोल्ड मेडल लेके आओ, रिकग्निशन हो कि भाई दुनिया में पाकिस्तानी एथलीट्स भी कुछ हैं। ठीक है जी, सब लोग ख्याल रखें, और अरशद नदीम को फिर से बहुत 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 मुबारक। सब लोग अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।